हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताए थे, अब हम सवाल शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए जिसके आधार का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पार्श्व तल या फिर वक्र तल दोनों एक ही होते हैं, ओके। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये वक्र तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि पार्श्व तल या वक्र तल का क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल। अब ये कहां से आया, मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा बताया, ठीक है। तो ये रहा हमारा यहां से लेकर के ये R अर्धव्यास और ये L, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। और पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व तल का मतलब है ये कर्व वाला एरिया, ठीक है, ये मुड़ा हुआ जो भाग है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर एल। तो चलिए यहां से देखते हैं, तो अर्धव्यास दिया हुआ है हमारे पास, अर्धव्यास कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया आर, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L, ये कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल इस हिसाब से क्या हो गया, तो यहां से लिखते हैं कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, आर दिया है 15 और एल दिया है 24, ठीक है। तो अब बस हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको करेंगे, कटेगा तो कुछ भी नहीं, तो गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 दुनी 30, 15 दुनी 30 और 3 33, और यहाँ पे 24 से इसको गुना करते हैं, तो ये हो गया 4 3 12 और 6 18 18 और 1 19, बाकी 1 3 6 और 1 7, और ये हो गया। अच्छा, इसको 7 से डिवाइड कर देते, देखिए क्या होता है, 7 7 9 7 2 2 3 21 1 0 एक, तो 11.31 कितना ले लेते हैं, 3 4 इतना वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर आपकी किताब में जो है ना आंसर थोड़ा सा गलत है, ओके। इस नंबर के हिसाब से इस चीज़ को सॉल्व करके उतना ला पाना बहुत वैसे भी वो होगा ही नहीं, ठीक। तो अब आगे करते हैं समग्र तल का क्षेत्रफल। अब समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये समग्र तल का क्षेत्रफल, यानी क्या बताया था फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हमने पाई आर कॉमन लिया था, तो बचा क्या, एल प्लस आर स्क्वायर आर। अब यहीं पे वैल्यूज रख देते हैं, यानी 22/7 हो गया ये, गुना आर है 15, गुना 15 प्लस 24, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो यानी ये हो गया 22/7 गुना 15 गुना यहाँ पे 5 6 9 3, ठीक है। तो ये हो गया वापस से 15 दुनी 30, 15 दुनी 30 और 3 33, इसको 39 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 27, 9 3 27 और 9 36, 3 3 9 और 3 12 यहाँ पे 0। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 7 1 7 5 6 7 8 56, 7 1 0। ओके, यानी कि 1810 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर ये दोनों आंसर्स, इस सवाल के हिसाब से आंसर यही आना था, ठीक है। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं अगला सवाल। अगला देखिए क्या लिखा हुआ, शंकु का आयतन निकालो। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है, ये चाहिए। अब क्या बोला है पहले सवाल में,
पहला करेंगे क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दिया, यानी आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, मतलब आधार का, आधार कैसा होता है, वृत्त के आकार का, यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है कितना, 1.54 वर्ग मीटर, ओके। और ऊंचाई, ठीक है, यहाँ तिर्यक ऊंचाई लिखा हुआ है, तिर्यक को काट दीजिएगा, वो उसके हिसाब से करने पे यहाँ पे नहीं बनेगा, वापस से इसमें सारी चीजें गड़बड़ है। ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है, 2.4 मीटर, तो इसका क्या बनेगा, शंकु का आयतन, तो आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए यहां पे पाई आर स्क्वायर का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पे हो गया 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1.54 इंटू एच इक्वल टू 2.4, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, तो 3 और ये 0.8, ठीक है। अब गुना करना है, गुना करना है कैसे, तो 8 × 32 बाकी 3, 8 × 40 और 8 × 8 = 12, कितने नंबर के पहले, 1, 2 और 3 नंबर के पहले पॉइंट, यानी कि 1.232, ये क्या है, घन मीटर, ठीक है, आयतन की इकाई घन मीटर, तो ये हो गया एक। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरे में व्यास, यहाँ पे अर्धव्यास लिखा हुआ है, तो अर्धव्यास लेकर के नहीं, व्यास लेकर के करना, 21 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है L, ठीक है। दूसरे नंबर में व्यास, व्यास दिया है 21 मीटर, यानी अर्धव्यास यहाँ से निकालते हैं, तो अर्धव्यास क्या होगा, अर्धव्यास होगा 21/2 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है 17.5 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आयतन, आयतन क्या है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर तो मिल गया, एच नहीं है, तो एच कहां से निकालेंगे, एच हम उस फॉर्मूला से निकालेंगे, कौन से फॉर्मूला से, कि तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, यहां से एच निकालेंगे, तो यहां पे एल हो गया 17.5 का स्क्वायर और बराबर आर हो गया क्या, 21/2 इसका स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 17.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 175/10 इसका स्क्वायर बराबर, चलो इसको इधर लेके चले जाते हैं, यानी कि -21/2 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है a² - b² का, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, चलिए तब उससे पहले इसको काट देते, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, ठीक है, यानी 35/2 प्लस 21/2 गुना 35/2 माइनस 21/2, ठीक है, a + b a - b। वैसे ये करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, करने पे सवाल थोड़ा आसान हो जाते हैं, आपको स्क्वायर वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा, तो इसी से ही सॉल्व कर लेना अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे 35 + 21 इंटू, नीचे यहाँ पर भी 2, 35 - 21 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 4 × 1 = 14/2, यानी कि ये कट गया 7 गुना यहाँ पर, ओ सॉरी तो प्लस करना है ना, तो ये हो गया 56/2 गुना यहाँ पे होगा 14/2, ठीक है, ओके। तो इसको काट देते हैं, 28 × 56 और ये 7, यहाँ क्या हो गया, 28 × 7 बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब h बराबर क्या होगा, रूट ओवर 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 × 2, ठीक है, 7 × 28 और लास्ट वाला 7,
तो यहाँ से h बराबर जोड़ा बनाते हैं ना, अब जोड़ा बना करके फिर उसका स्क्वायर करते हैं, तो 2 के बदले में 1 लिखते हैं, तो ये हो गया 7 × 2 यानी कि 14 मीटर। तो h निकल गया, ठीक है। अब आयतन निकाल लेते हैं, तो आयतन क्या है, तो आयतन बराबर 1/3 πr²h। तो यहाँ से हो गया 1/3 × 22/7 × r². r कितना दिया हुआ है, r है 21/2, इसका स्क्वायर इंटू एच हमने 14 निकाल लिया। ओके, तो अब 1/3 × 22/7 × 21/2 और 21/2 × 14। अब इसको काटना आसान हो जाएगा, कैसे कि 7 × 21 3 और 3 कट गए, 2 से ये 11, 2 से यहाँ पे 7, ठीक है। तो 11 × 7 = 7, 7 × 14। अब 11 से कैसे गुना करते हैं, तो नंबर आखिरी वाला 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11, यानी कि 11 का 1, फिर 4 + 1 को ऐड करेंगे यानी 5, 5 में 5 और 1 6 और लास्ट में 1, ठीक है, इतना घन मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला, हाँ ये रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमीना एक समकोणीय त्रिभुज बनाई, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जो है वो बना ली, समकोण कहाँ है, यहाँ पे, जिसकी समकोण से जुड़ी हुई भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो मान लिया ये जो है ये 15 सेंटीमीटर है, चलो एक काम करते हैं, ये 15 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। एवं 15 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाने पर जो घन तैयार होता है उसका आयतन, अच्छा अक्ष मानना मतलब इसको स्टिल एकदम पूरा फिक्स कर देना है इस लाइन को, और फिर इस त्रिभुज को अगर घुमाया जाएगा तो वो किस तरह से बनेगा, वो एक ऐसी आकृति तैयार करेगा, ठीक है, यानी शंकु की आकृति तैयार करेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये क्या हो गया r, और ये वाला लंबाई h, ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें दी हुई है, तो इसी से ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समकोण से जुड़ी हुई भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना है, हो गया। अब 15 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष माना, तो 15 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानने पर ये क्या होगा, यह मानने पर और एक बार घुमाने पर क्या होगा, यह एक शंकु की आकृति का होगा। ओके, तो अब यहाँ पे शंकु की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, 15 सेंटीमीटर, और शंकु का अर्धव्यास जो होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। ओके, ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर 1/3 πr²h, अर्धव्यास ये है, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, अर्धव्यास हम इसी को मानेंगे, क्यों, क्योंकि 15 सेंटीमीटर वाले भुजा को जो है उन्होंने फिक्स किया, ठीक है, नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा सवाल बनाना गड़बड़ हो जाएगा। अगर 20 सेंटीमीटर वाले को बोलता तो हम इसको ऊंचाई मानते और इसको अर्धव्यास तब मान लेते, ठीक है, क्योंकि फिक्स जो है वही, जो फिक्स है वही हाइट होगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया 1/3 × 22/7 ×
आर स्क्वायर है 20 स्क्वायर इंटू एच है 15, ठीक है। तो ये हो गया आयतन, ओके। और बस इतना ही, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 3 से 5 बार में 15, और बस इसको गुना कर देना है, यानी कि ये हो गया 22/7 इंटू 20 का स्क्वायर 400 गुना 5, और ये 4 × 5 = 20, 20 यानी 44 बाई 7, इसको डिवाइड करके जितना आता है उतना में हम कर लेंगे। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 7 से, तो 7 × 6 = 42, 2 और 0 यानी 7 × 2 = 14, फिर 6 और 0 7 × 8 = 56, 4 और 0 7 × 5 = 35, 5/7, ठीक है। तो इतना घन सेंटीमीटर। और हमसे यहाँ पे कुछ पूछा है क्या? नहीं। तो घुमाए जाने पर तैयार आयतन निकालना है, तो आयतन हो गया, बस इतना ही हमारा आंसर है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होने से शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा? देखिए समग्र तल का क्षेत्रफल बोला, आयतन निकालने के लिए बोला, क्या दिया है? ऊंचाई दी हुई है, यानी अगर एक शंकु बनाए तो ये यहां से लेकर के ये ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और ये नहीं पता है नीचे जो आधार है यानी कि अर्धव्यास है वो नहीं पता है। तो समग्र तल के क्षेत्रफल के लिए भी हमें अर्धव्यास चाहिए, आयतन के लिए भी अर्धव्यास चाहिए। तो यहां से अर्धव्यास निकाल लेते हैं किस फॉर्मूले से, तो ये एल है, ये एच है और ये आर है। तो अब यहां पे लिखते हैं, सबसे पहले तो ऊंचाई बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? अर्धव्यास, यानी कि अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। तो यहां से ये हो गया 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 और बराबर 36 प्लस आर स्क्वायर, यहां से ये गया 100 - 36 बराबर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस करने पे 64, और इसीलिए आर इक्वल टू √64 यानी 8 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें तीनों चीजें मिल गई हैं, अब हम निकालेंगे समग्र तल का क्षेत्रफल। तो शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर, ओके, यही वाला है। हम डायरेक्ट इसको भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी याद करके रखना हो वो आप कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला रहा, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। तो ये 22/7 इंटू आर हमारा निकला 8 और एल दिया हुआ है 10 + 8, अच्छा। ये अब हमें क्या करना है, 22/7 इंटू 8 इंटू 8 10 18, बस यहीं तक। अब गुना करना ही बाकी रह गया, तो 144 को 2 से गुना कर देते हैं यानी कि 288, और इसको 11 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 8 8 16 का 6 बाकी 1, 8 2 10 और 11 बाकी 1, 2 2 और 1 3 बाकी 7, ठीक है। और डिवाइड कर देते हैं, बस सिंपल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 4 = 28, 3 और 6 = 7 × 5 = 35, और 1 और 8 = 7 × 2 = 14, पूर्णांक 4/7 वर्ग सेंटीमीटर, ओके। ये एक आंसर हो गया, और हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, आयतन निकालने को बोला है।
ओके अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, यानी 1/3 × 22/7 × r 8 निकला था, 8 × 8 कर देते हैं ये, और गुना h है, h कितना है 6, तो यहाँ से कुछ कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, 3 × 2 = 6, अच्छा यहाँ पे 8 × 8 = 64, अच्छा 8 × 2 = 16, 16 × 8 = 128, 128 और गुना 2, तो 2 से गुना करते हैं इसको, तो 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4 = 5 और ये 2, अब इसको 11 से गुना कर देते हैं, तो 6 × 6 = 5 = 11 का एक बाकी 1 × 5 = 2 × 7 = 1 = 8 और यहाँ 2/7, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 0 × 7 = 14 2/7, इतना घन सेंटीमीटर। ओके ये हो गया हमारा आंसर। ओके तो यहाँ हमने ये दोनों ही कर लिए, वेरी गुड, हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम कर रहे होंगे आगे के सवाल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।